ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हर रोड ट्रिप में मैं एक्चुअली रोड ट्रिप के स्टार्ट पे आपको वेलकम करता हूँ, पर आज एक्चुअली हम ये रोड ट्रिप के ऑलमोस्ट एंड पे वेलकम कर रहे हैं। कोंकण रीजियन, हर किसी का सपना होता है खुल के एक्सप्लोर करने का, चाहे वो कोस्टल पार्ट हो या हिल स्टेशन। After Raigarh and Ratnagiri districts, this time we have set out to explore another extremely beautiful Konkan region in Sindhudurg district. अगले कुछ दिनों में हम लोग सिंधुदुर्ग कोंकण रीजन के काफी सारे जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, so definitely stay tuned with me. But for the time being, सिंधुदुर्ग कोंकण रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए हमें उस जगह पे पहले जाना पड़ेगा, right? And today's blog is all about the beautiful road trip to Sindhudurg Konkan region from Pune. ये चारों तरफ पहाड़ों के बीच में एक नेचुरल स्टोन मेड वेल, पत्थर का कुआं और उसके अंदर पानी भी। चलिए, मैं आपको ये दिखाने के लिए वीडियो स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको ये बताने के लिए कहा कि वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का हमारा ट्रिप हो रहा है एक्चुअली पुणे टू सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, जो कि कोंकण के और एक बेहतरीन रीजन है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। काफी लंबा टूर हो रहा है एक्चुअली। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कुंकेश्वर हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे पहुंचना है। एंड फ्रॉम पुणे एक्चुअली इट इज अराउंड 400 किलोमीटर वन वे। हमारा जो ट्रिप एक्चुअली वो सुबह को स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा पहले से हम लोग देख लेते हैं सुबह पे हम लोग जहाँ से ये खंबट की घाट वो सब क्रॉस करके लंच करके यहाँ तक आके पहुंचे हैं। जैसे मैं आपको हर रोड ट्रिप में हर डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले आपको जर्नी का काफी कुछ जगह पे स्टॉप ओवर करके कुछ बेहतरीन स्पॉट्स दिखाता हूं, तो इस बार भी वैसे ही कुछ हमारा ये पुणे टू सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का ट्रिप होने वाला है। आज काफी मुझे रश भी मिला था, जो हमारा नेशनल हाईवे 48 है उसके बाद खंबट की घाट में, और उसके बाद जब हम लोग सतारा क्रॉस कर गए तो थोड़ा बहुत हमें एक्चुअली वो ट्रैफिक थोड़ा कम होते दिखता हो गया। तो कराट से एक्चुअली हमें राइट टर्न लेके जो काले पचवाड़ रोड है जो मलकापुर जाता है उस रोड लेना था, और उसके पहले जस्ट हम लोग लंच कर लिए थे क्योंकि हम लोग जैसे आपको बताया कि थोड़ा लेट निकले थे घर से, तो विदाउट ऑफ हैविंग लंच एंड देन कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। तभी हम लोग एक्चुअली स्पेशल यात्रा थाली ऑर्डर किया है यहाँ पे, नॉन वेज थाली, तो इसमें चिकन ग्रेवी, चिकन सूखा, अंडा ग्रेवी, कोकोनट वाटर और तंदूरी रोटी, और इसके बाद एक्चुअली इंद्रायणी राइस आने वाला है। चिकन ग्रेवी जो है थोड़ा स्पाइसी है, सूखा भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। After lunch, without wasting much time, we resumed our journey because we have to travel for another 200 plus kilometers, and we also have to cross the beautiful yet thrilling Anushkura Ghat. अभी एक्चुअली हम लोग ये मलकापुर से मंजरे का जो रोड है इस रोड से जा रहे हैं, एंड दिस रोड इज एक्चुअली शोइंग गोइंग टुवर्ड्स पवन किंग, फेमस प्लेस इन महाराष्ट्र। तो अभी भी एक्चुअली मैप में दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर टू रीच अवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि कुंकेश्वर है। काफ़ी नैरो रोड है, घाट चोट से देख के संभाल के चलाना पड़ रहा है एक्चुअली। बट ऐसे जो जैसे हर ट्रिप का हम लोग रोड जर्नी को काफ़ी एंजॉय करते हैं, तो इस बार भी वैसे ही हम लोग बीच बीच में काफ़ी जगह पे रुक के ये ट्रिप को
आगे लेके जा रहे हैं। हम लोग पहुँचेंगे नाइट को, तो देखते हैं एक्चुअली कुंकेश्वर में जाने के बाद कितने बजे हम लोग रिसोर्ट पे चेकिंग करते हैं। तो अभी अभी हम लोग मलकापुर जो है मलकापुर से आ रहे हैं, और ये रास्ता सीधा एक्चुअली सामने एक वन ऑफ द टफेस्ट घाट रोड को क्रॉस करेगा, सह्याद्री माउंटेन रेंज के ऊपर, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर अनुस्करा घाट है। तो इस तरफ आप देख सकते हो हम लोग जाएंगे अभी इस तरफ, तो देखते हैं। थोड़ा कॉशसली हमें ड्राइव करना होगा क्योंकि इट्स गेटिंग इवनिंग और ये थोड़ा घाट रोड टफ भी है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी हेड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर घाट रीजियन। तो अनुष्करा घाट के ऊपर से जाते जाते यहाँ पे एक थोड़ा मुझे व्यूइंग पॉइंट जैसा यहाँ पे दिखा, तो गाड़ी को थोड़ा साइड में लगा के मैं ऐसे ही रुक गया। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एक्चुअली। नीचे वहाँ पे रास्ते चले गए, उस तरफ सनसेट हो रहा है आप देख रहे हो, और ये पूरा वेस्टर्न घाट सह्याद्री रीजन है। ये घाट रोड से अभी अभी हम लोग आए हैं और इस तरफ अभी जाएंगे हम लोग, और वो दो नीचे ऐसे रास्ते निकल गए। फैंटास्टिक। तो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ एंड आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ओवर दिस प्लेस क्योंकि आगे बहुत दूर हमें जाना होगा। तो ये जो घाट रोड आपको पीछे दिख रहा है माउंटेन ट्रेल, ये अनुष्करा घाट रोड है। आप कोल्हापुर के तरफ से मलकापुर होके जब ये कोंकण के तरफ जाओगे तो ये घाट रोड आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और कुछ घाट रोड ये वेस्टर्न घाट्स रीजन पे सह्याद्री रीजन से ऐसे होते हैं कि आपको लगता है वो घाट रोड से आप जब उतरोगे या घाट रोड के ऊपर जब चढ़ोगे तो दुनिया का सब कुछ आपके नीचे होंगे और आसमान आपके करीब। ₹410 किलोमीटर का सफ़र, तो गूगल मैप में दिखा रहा था कि ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स, इसलिए ज़्यादा आज कुछ शूट नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग पुणे से ये सब जो घाट रोड्स है क्रॉस करके हमें दूर महाराष्ट्र का सदर्न मोस्ट कोंकण कोस्टल डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग पहुँचना है, हमें समुंदर का टच करना है। और काफ़ी थकान का जर्नी है, ऑलमोस्ट 410 किलोमीटर्स का भी जर्नी वन वे, तो थोड़ा बहुत बीच में हम लोग रुक रहे हैं। ये एक सुनसान जगह पे मैं रुका हूँ थोड़ा पानी पीने के लिए। कुछ एनिमल्स का आवाज़, कुछ बर्ड्स के आवाज़ मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं एक लंबा सफ़र करके ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का, हमारा कोंकण का फर्स्ट डेस्टिनेशन कुंकेश्वर पे। तो अभी अभी एक्चुअली मैं कुंकेश्वर रिसोर्ट पे चेक इन किया हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है, लंबा सफ़र था ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर, और ये है हमारा रिसोर्ट का रूम। फिलहाल अभी के लिए मैं साइन अप करता हूँ ये लंबा सफ़र के बाद कुंकेश्वर रिसोर्ट से, तो जुड़े रहिए हमारा साथ क्योंकि हमारा ये कोंकण का इस बार का जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जितने सारे लोकेशंस हैं उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन कल से शुरू होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस ब्लॉग्स एंड दिस ब्लॉग एज वेल। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू, बाय बाय।